है खास हर अंदाज। पुष्कर जी, पाव भाजी, वड़ा पाव, मुझे तो भूख लग गई। हाँ, लेकिन हम यहाँ नहीं खा सकते। क्यों? लेकिन टेस्ट के लिए अपनी हेल्थ दाव पे नहीं लगा सकते। चलो आओ। पुष्कर जी, पुष्कर जी, टैक्सी। कहाँ जाने का है? खाने वाली गली है ना, वहाँ छोड़ दीजिए। वो तो बहुत बड़ा एरिया है, उधर किधर जाने का है? वो तो पता नहीं। बिना किसी नाम पते को अपन किधर लेकर जाएगा आपको? मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है उर्वशी, जो तुम सिर्फ मुझे बताना चाहती हो? विदिता, ये बात मेरे लिए जितना बताना जरूरी है, तुम्हारे लिए उतना ही जानना जरूरी है। मैं तुम्हें समझा। हाथ छोड़ो मेरा। छोटे इंसान हो तुम। गलत को सही करने के लिए तुमने मेरे साथ ये सब खेल खेला। तुम फिर से गलत फहमी का शिकार हो रही हो। मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, क्या कहा था तुमने कि मैं चाहूं भी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? आज तुम खुद अपनी बीवी के नजर में इतने गिर चुके हो कि शायद ही कभी उठ पाओगे। तुम अपनी लाइफ पार्टनर को संभालो, अगर मिले तो। बचपन में आपके सामने माँ का भरोसा टूटा, 15 साल बाद भी वो भरोसा नहीं लौटा। आज भले ही मैं आपके साथ हूँ, पर मेरी भावनाएं, मेरा स्वाभिमान चकनाचूर हो चुका। जब तक मेरा भरोसा नहीं लौटा था, हम एक नहीं हो सकते। तुम उर्वशी के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझसे पूछताछ कर रही? तुम हर बात पे मुझसे सवाल करोगी और मुझे तुम्हें अपनी सफाई देनी पड़ेगी। तुम्हें नहीं लगता तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही? मैं नहीं जोड़ रही हूँ पुष्कर जी, ये जोड़ रहा है। मुझे ये कहाँ मिला पता है आपको? उर्वशी के बाथरूम, जहाँ वो बेहोश अधमरी हालत में पड़ी थी। पूरा हनीमून बर्बाद हो गया। विदिता को पता चल गया कि वो टेस्ट मैंने करवाया था और कहीं उसने मॉम को सब कुछ बता दिया तो मेरा घर परिवार सब बिखर जाएगा। मैं ये किसी भी कीमत पे अफोर्ड नहीं कर सकता। वाली चोरी को फुसला के ले गया, बर्बाद कर दिया हमारी बावली को। मासा, आपको बेला की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से बेला मेरी जिम्मेदारी है। बेला यहीं रहेगी हमारे साथ। जैसे अश्विन भाई साहब ने अपनी साली की हर जिम्मेदारी निभाई, वैसी मैं बेला की हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। बेला, मुझे गलत मत समझना, पर प्लीज तू यहां मत रुक। हम सबके लिए यही अच्छा होगा कि आप सब वापस लौट जाएं। सोने में तो बिल्कुल अपने जीजी पर गई है। भगवान जाने तुम दोनों बहनों की आंखों में इतना पानी आवे घटे से। ये जीजा साली का रिश्ता होता ही ऐसा है, मजाक मजाक में बहुत कुछ हो जाता है। नहीं, हम गांव वाले भाषा में कमजोर जरूर होते, लेकिन नियत पहचान जाते। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले लगा देना चाहिए था। आप बहुत ही घटिया और दोगले किस्म के इंसान हो। जो हो वो दिखते नहीं, और जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं आप। आज तक सिर्फ सुना था, आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि मेरे बेटे से किस तरह बर्ताव करती हूँ। तुम्हारा इस तरह मेरे बेटे के साथ बात करना मुझे हर किस बर्दाश्त नहीं। तय बेला, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने ऐसे फटाफट शादी कर ली। अच्छा, तने कभी किसी से प्यार को नहीं हुआ?
इसका मतलब थारे जिंदगी में कोई ना कोई तो है। चल बता। अरे बता ना, अरे नाम क्या है? अरे नाम तो बता। फोन क्यों उठाया? बेला खटे है? बड़े हक से पूछ रहा है? अरे हाँ क्या है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बिंदरी है हमारी। धोखे से साथ फेरे लेके चोरी छुपे भाग जाने को शादी नहीं कहते? अरे अब मरी भैंस की पूछ पाड़ने से क्या मिल जाएगा है? पूरी दुनिया जानती है के उधर क्यों हुआ था। मैंने माफी मांग ली है और तब से बेला और मैं बहुत प्यार करते एक दूसरे से। हाँ तेरी वजह से बेला पुलिस के चक्कर में फंस गई, पुष्कर जी ने जाके बचाया उसे। अरे मैं मारू, मारी गलती है, बेला से माफी मांग चुका हूँ मैं उसके लिए और आइंदा से उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हाँ देख, अगर तू सच में बेला से प्यार करता है और उसे खुश रखना चाहता है तो आ और लेके जा अपनी बिंदनी को। शादी की है ना तो मर्द बन के अपनी पत्नी को संभालना सीख। मेरे ससुराल में क्यों छोड़ के रखा है? मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली। अरे बेला बहन जैसी है तेरी, ऐसे कैसे बोल रही है तू? मतलब मैं अपनी बहन की नहीं तेरी बिंदनी की बात कर रही हूँ। एहसान मान कि पुलिस से बचाया तेरी बिंदनी को मेरे पति ने। गांव में जो तेरी इज्जत है ना वो बचाना चाहता है तो मत बन। आके संभाल अपनी बिंदनी की जिम्मेदारी। आ रहा हूँ। चीखने की कोई जरूरत को नहीं है। यही सब कुछ होने के बाद पुष्कर जी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। यमदेव, आप मेरे पुत्र नचिकेत को दान में स्वीकार कीजिए। मैं ये दान स्वीकार करता हूँ। है जाइए यमदेव, ये अनुचित है। समाज की रूढ़िवादी प्रथा को चुनौती देने के लिए श्री कृष्ण करेंगे मृत्युदाता यमराज के मृत्यु उपाश से बालक नचिकेत के प्राण। मंजरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, आज के बाद सिद्धि और विनायक का नाम एक साथ कभी नहीं लिया जाएगा। जी आप? मैं सिद्धि, विनायक कुंद्रा की पहली पत्नी, बीवी नंबर 1। और ये उर्वशी, विनायक कुंद्रा की दूसरी बीवी, बीवी नंबर 2। डॉक्टर, मैं मेरे हस्बैंड का सैंपल तो लेकर आ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आज ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसीजर करवा लूँ। अब तुम्हारे इस वीर नमूने को भस्म करके तुम्हारे बाल योग को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा। ये लो, दादी माँ ने पूरे 20,000 की शॉपिंग की है। दादी चलो। अबे बैरी नहीं हूँ, बैरी नहीं, बैरी नहीं, बैरी नहीं, बैरी नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, बैरी नहीं हूँ बैरी। थोड़ी सी खीर भी हमारे हाथ से खाओ, चलो। हमें शुगर हो जाएगी। शुगर कैसे होगी दादी, आप तो मर चुकी हो ना। जिसके शरीर में हम घुसी हैं उसकी शुगर तो बढ़ जाएगी ना। अरे वो तो नल्ला एक नंबर का बेशरम आदमी है, उसको कुछ ना होगा। बहुत ही स्पेशल 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 सरप्राइज जस्ट फॉर साक्षी। और ये सरप्राइज है डिवोर्स पेपर्स। शादी के साथ फेरों के साथ साथ सात कस्में भी ली जाती हैं। अब इन दोनों को शादी के सात वचनों का भी पालन करना होगा और जो ये कर पाएगा वो ही किशन की बीवी होगी।